हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका होस्ट और दोस्त संकेत मलिक। आज मैं हूं नौरंगपुर 84 मीटर रोड पर, जो कि रोड आज से एक दो महीने पहले बिल्कुल काम शुरू नहीं हुआ था या बिल्कुल इट्स नॉट रेडी। एंड लोग स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि अभी तो इस रोड को रेडी होने में, ब्लैकटॉप होने में 6 महीने से ज्यादा का टाइम लगेगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए स्ट्रीट लाइट्स, पहली स्ट्रीट लाइट्स जो यहाँ पर लग चुकी है और पूरी रेडी हो चुकी है। और ये देखिए कितना फर्स्ट क्लास तरीके से ये जल रही है। तो देखिए, जब M3M और बेस्टेक और GMDA और मैप्सको और सारे बिल्डर्स मिलके काम करते हैं ना, तो चीजें बहुत पॉजिटिव वे में निकल के आती है। तो ये देखिए, ये पहली लाइट है जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, फंक्शनिंग है। लैंडस्केपिंग का काम काफी स्टार्ट हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे लग रहा है विद इन 30 डेज और मंथ के अंदर अंदर सारी ये जो बेल्ट है ये ग्रीन होकर रेडी हो जाएगी। बिकॉज M3M एंड GMDA दोनों ही इस पर काफी फोकस कर रहे हैं इस टोटल एरिया पे। और ये देखिए, आपको पहली लाइट अभी पीछे गई है, दिस इज द सेकेंड स्ट्रीट लाइट ऑन दिस 84 मीटर नौरंगपुर रोड। तो दिस इज द सेकेंड स्ट्रीट लाइट जो है, और आगे तीन और लग चुकी है। तो 1 2 3 4 5 फाइव लाइट्स अभी लग चुकी है जो अभी काम हो रहा है। और बहुत ही जल्दी ये पूरा रोड बढ़िया फर्स्ट क्लास रेडी हो जाएगा। तो दिस इज द थिंग, मैंने सोचा चलो एक नया अपडेट आपको देते हैं, चलो एक नई इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं और देख के आता है कि अंतालिया के अंदर तक किस तरह से वर्कआउट हो रहा है। तो लेट्स गो एंड लुक अप। ये सामने मैप्स को माउंट रिले का टावर आपको दिख ही रहा होगा जो लाइट चल रही है। और ये देखिए, ये सारी स्ट्रीट लाइट्स का काम स्टार्ट हो चुका है। सो ब्यूटीफुल, दैट इज अ पावर वंस दिस बोथ GMDA एंड द बिल्डर्स कम टुगेदर इन फोर्स। एंड कहते हैं ना, टुगेदर वी कैन अचीव एवरीथिंग। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी कि भाई जो चीज है मिलके अगर M3M और GMDA कर रहा है तो इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरी वन। इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैप्सको माउंट विले, इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ गोदरेज, इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ बेस्टेक अल्टुरा, इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरी वन। इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर एक बार एक अच्छी सरकार। तो दैट इज द थिंग विच एवरी वन मस्ट फोकस। और एक बार देख कर आते हैं कि अंतालिया के अपडेट क्या है, अंतालिया में कितना सैंपल फ्लैट का जो काम है कितना हुआ है, तो वो एक बार देख कर आते हैं। लेट्स टेक अ स्मॉल ड्राइव टूवर्ड्स बेस्टेक अल्टुरा गोदरेज 101 M3M अंतालिया एंड गोदरेज आरिया एंड मैप्सको आइकनिक टावर। मैप्सको का आइकनिक टावर का भी दे अप्लाइड फॉर द रेरा, तो रेरा आते ही वो भी आपका लॉन्च हो जाएगा। और उसके लॉन्च होते ही हमारा जो सेकंड गेट है मैप्सको का, जो अभी तक बंद किया हुआ है क्योंकि बेसमेंट बन रहा है आइकनिक टावर का, तो वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। ये मैप्सको माउंट विले ओलंपस, माउंट ओलंपस स्कूल है जो आप देख रहे हैं, साथ ही में गोदरेज आरिया और गोदरेज 101। पीछे सुपरटेक रावले, सामने बेस्टेक अल्टुरा है। और दिस इज M3M अंतालिया का सैंपल फ्लैट। सैंपल फ्लैट जब तक बनेगा उससे पहले मुझे लग रहा है सारी इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो जाएंगी, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप इन द मार्केट, लॉट ऑफ डिमांड। तो ये देखिए, दिस इज द से हेलो टू द सोलफुल लिविंग इन द हिल्स, दिस इज द सैंपल फ्लैट ऑफ M3M अंतालिया। सो बहुत ही जल्दी ये भी रेडी होकर ओपन कर दिया जाएगा। और ये देखिए क्या ब्यूटिफिकेशन, मतलब दिस इज ओनली द M3M कैन डू इट। आई एम लिटरली वेरी प्राउडली सैड के इस तरह का डेवलपमेंट, इस तरह का लाइटनिंग, इस तरह का जो ब्यूटिफिकेशन है भाई, M3M जहाँ जाता है ना, या DLF है फॉर एग्जांपल, वो उस जगह को अपने आप ही लिवेबल बना देते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव बना देते हैं। आप देख रहे कितना ब्यूटीफुल लाइटनिंग, अभी तो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो आप ये समझिए कि अभी से ग्रीन बेल्ट हो गया, लाइट्स वगैरह हो गया, लैंडस्केपिंग स्टार्ट हो गया, फ्लावर्स हो गया। दिस इज कॉल्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये सीखना चाहिए लोगों को, ये सीखना चाहिए बाकी डेवलपर्स को कि जिस लेवल से M3M या DLF कमिटमेंट करते हैं
उससे भी बेटर तरीके से वो चीजों को नॉट ओनली एग्जीक्यूट करते हैं बट उससे बेटर तरीके से डिलीवर और डेवलप भी करते हैं, तो लोगों का तो ट्रस्ट जो है वो कई गुना डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और M3M अंतालिया के आने से जो सेक्टर 79 है वो एक अलग ही लेवल तक उसकी जो रौनक है वो पहुंच जाएगी वेरी शॉर्टली, तो डेफिनेटली चीजें एनहेंस होंगी। ये वी आर गोइंग इन द अंतालिया टाउनशिप, तो हम अंतालिया टाउनशिप में जा रहे हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगा रखे हैं इन लोगों ने, सो ब्यूटीफुल। ये देखिए इतना ब्यूटीफुल लाइटनिंग, मतलब बिल्कुल आपको दिवाली वाली फीलिंग आ जाती है जब भी आप M3M के किसी प्रोडक्ट में जाते हैं या किसी भी कमर्शियल में जाते हैं M3M के। यू हैड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीलिंग, वेरी पॉजिटिव वाइब्स। ये देखिए ब्यूटीफुल ट्रेल चल रही है आपकी फ्लावर्स की, यहीं पर ब्यूटीफुल लाइटिंग है, पूरा पूरा कैंपस है, बहुत ही अच्छा जो है इन्होंने पूरा का पूरा जो ट्रेल है वो डेवलप कर रखी है। एंड वेरी शॉर्टली आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। ये देखिए ये भी बहुत ही ब्यूटिफिकेशन के साथ जो बेल्ट है वो उन्होंने डेवलप कर रखी है, सो ब्यूटिफुल। वेक अप टू एवरलास्टिंग व्यूज ऑफ द अरावली, कितना ब्यूटिफुल, मतलब कितना प्यारा जो फ्लावर्स का पूरा वर्क है वो कर रखा है M3M ने। तो आप ये देखिए दिस इज द टाइप ऑफ फीलिंग विच द पीपल मस्ट हैव बिफोर बाइंग एनी ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट तो सब भाई चार दीवारें और घर और रूम्स और टू बेडरूम थ्री बेडरूम तो हर कोई बना देता है, हर कोई बिल्डर बना देता है, बट कहते हैं ना कि एक एम्बियंस बनाना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक क्वालिटी चीज को डेवलप करना, डिलीवर करना, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। सो दिस इज द ऑल, अंदर भी देखते हैं, लेट्स हैव अ टेक ऑफ द वॉक इनसाइड आल्सो। तो अंदर भी काफ़ी सही डिमार्केशन है बट शायद अभी लाइटिंग वगैरह, हाँ इवन स्ट्रीट लाइट्स भी आप देखिए, सारी स्ट्रीट लाइट्स भी कर दी है ऑलरेडी वर्किंग और बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा। 5 क्लब हाउसेज हैं अलग अलग एम्यूनिटीज से लिंक्ड, ऑल द पीपल हैव एक्सेस टू ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब हाउसेस। जिस तरह से यहाँ पर ये लोग रेडी करके बना के डिलीवर करेंगे वो एक अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आएगी, और इस तरह के बहुत ही हाई एंड टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग या हाई एंड टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जब यहाँ पर डेवलप हो जाएगा तो जो 73 सेक्टर की वैल्यूएशन है, एक तो यहाँ पर पॉल्यूशन कम है, अरावली है, ग्रीन बेल्ट है, तो वो अपने आप ही कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये थोड़ा सा अपडेट था M3M अंतालिया का, M3M अंतालिया के लग्जरी फ्लोर्स का, और मैं एक ब्रीफ वीडियो बनाकर आपको पूरा वो डिस्क्राइब कर दूंगा, बट सबसे अच्छी और सबसे बेटर और सबसे जो क्वालिटी चीज़ मुझे लगी वो लिविबिलिटी। हमेशा M3M का जहां पर भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा वहां पर लिविबिलिटी अपने आप आ जाएगी, नॉट ओनली इन M3M बट बाई इट्स हेल्पफुल फॉर द नियर बाई डेवलपर ऑल्सो। तो अब कहते ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, दिस इज द थिंग, दिस इज द टाइप ऑफ ब्यूटिफिकेशन, दिस इज द टाइप ऑफ लाइटनिंग। एक दिन मॉर्निंग का व्यू और मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे बहुत ही सुंदर लाइटनिंग कर रखी है, बहुत ही ब्यूटिफुल, मतलब आप वॉक करोगे ना यहाँ पे यू हैव द फीलिंग ऑफ वॉकिंग इन अ वेरी बिग टाइप ऑफ गोल्फ एरिया, दैट टाइप ऑफ फीलिंग द M3M हैव बीन डिजाइन इन दिस थिंग दैट यू आर नॉट इन इंडिया इन समवेयर एल्स यू आर। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, हमेशा M3M हमेशा लाजवाब चीज़ें ही लेकर आते हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाते हैं, और नॉट ओनली बनाते हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाकर उसको मेंटेन भी रखते हैं। तो दैट इज द थिंग विच M3M हैव इन द एंटायर मार्केट। हाँ ये है गोदरेज, ये एंट्री थी सुपरटेक अरावली की। ये देखिए पूरा डिमार्केशन है आपका फॉर योर M3M अंतालिया, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लाइटनिंग, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। मैं तो अच्छा है कि जल्दी से ये रेडी हो, अपना बाकी सोसाइटीज की भी जो वैल्यूएशन है बहुत अच्छी हो जाएगी। शाम को आपको वॉक करना है, जस्ट वॉन्ट टू हैव अ हैंग अराउंड विद फ्रेंड्स, आपको साइकिलिंग करनी है, आपको जॉगिंग करनी है, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस ये
पूरा का पूरा हो जाएगा वंस दिस एंटायर प्रोडक्ट वुड गेट डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड। तो ये छोटा सा अपडेट था। ये आप फसाड देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फसाड है पूरा अंतालिया का, बहुत ही स्पेनिश आर्किटेक्चर में ये फसाड यूज किया गया है एंड इट्स अ शीयर एपिटोम ऑफ लग्जरी, व्हाट एल्स आई कैन से। सो मिलते हैं जल्दी मोर अपडेट्स लेकर M3M अंतालिया की आपके साथ। सो टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड लव यू ऑल।